हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल एमसीक्यू। आज का जो सेशन है वह ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से है जो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। आज का जो चैप्टर है वह है मानव रक्त व हृदय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो जो इसका आंसर है वो है कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में कितने समूह होते हैं? तो चार समूह होते हैं, ए बी और ए बी और आखिरी है ओ। चार समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप चार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, मतलब सभी से रक्त ले सकता है? तो वह है ए बी, सभी से खून ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? तो जो सर्वदाता मतलब सभी को खून दे सकता है, कौन सा ग्रुप है? ओ ग्रुप, ब्लड ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में कितने परसेंट प्लाज्मा होता है? तो 6% प्लाज्मा होता है मानव रक्त में। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होता है? तो 90% जल होता है प्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जन्म जीवन काल कितना होता है? तो 20 दिन आरबीसी का जीवन काल। अगला क्वेश्चन, श्वेत रुधिर कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या है? तो शरीर को संक्रामक रोगों से बचाना, यह श्वेत रुधिर कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का शरीर में कितना अनुपात होता है? तो 600:1। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबल पुरस्कार कब मिला? तो 1930 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह यौगिक कौन सा होता है? तो उसे हीमेटेन कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो है विलियम हार्वे ने, सन 1628 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर में कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है? तो 4.5 लीटर 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं? तो ए बी, ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो ओ जो होता है ब्लड ग्रुप, उसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, आरएच समूह का पता किस जीव में लगाया गया? तो लीसस बंदर में आरएच समूह का पता लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है रुधिर, यानी अपना रक्त। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर अणुओं का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। पेशियों में श्वसन वर्णक कौन होता है? तो मायोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, ल्यूकेमिया क्या है? तो रुधिर कैंसर है। अगला क्वेश्चन है, निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने परसेंट कम हो जाती है? तो 5% कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय के विद्युत परिवर्तन को अंकित कौन करता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG टेस्ट होता है वो। रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है? तो 2 से 8 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितने परसेंट होती है? तो भार का 7% होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्त क्षीणता कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कितने परसेंट ग्लूकोज होता है? तो 0.1% ग्लूकोज होता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो वह है वक्र, अपनी किडनी। अधिक ऊंचाई पर जाने से मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसकी महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। मानव शरीर में
खून किसकी उपस्थिति में के कारण नहीं जमता है? तो हेपरिन नामक एंजाइम के कारण। अगला क्वेश्चन है, रक्त के जमने में किस तत्व की भूमिका मुख्य होती है? तो सीए मतलब कैल्शियम की। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का रुधिर दाब किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली, प्लीहा या स्प्लीन, इसका नाम है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाती है? वह डायलिसिस कहलाती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी वीडियो आगे आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।